हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लिटिल डिज़ायर पे। सो आज हम एक बेसिकली ट्राइपॉड का रिव्यू अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। ये मेरे को मैंने अमेज़ोन से मंगाया है 199 में विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो मुझे मिला है इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में मिला है, और एक ये ब्लैक कलर का इसका पाउच है जिसमें आप इसको रख सकते हैं, एक कवर टाइप आप बोल लीजिए इसको। ये जो है इसमें दिया हुआ है इसके बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन, ये थ्री वे हेड है एंड क्विक लेवल लॉक है इसमें। ये तीनों तरफ रोटेट करता है इसका जो हेड है, और इसका जो लॉक है वो हर लेवल पे लॉक करता है। ये जितना भी आपको हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, आप जाएं तो इसकी लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन एंड जो भी इसकी बारे में इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ये जो है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। ये देखिए, मैं आपको इसकी रॉड शो कर रही हूँ। इस तरीके से एक लॉक को रिलीज़ करेंगे, एक रॉड ओपन हुई, और सेकेंड लॉक को जब रिलीज़ करेंगे तो सेकेंड वाली जो रॉड है इसकी हाइट एडजस्ट करने की वो रिलीज़ हो जाएगी। ये आप देख ही रहे होंगे इसमें। ये देखिए, ये फोल्ड करके कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का है। ज़्यादा बड़ा नहीं है एक्चुअली, बहुत अच्छा है, छोटा सा ही स्टडी सा है जी। ये देखिए इसका जो हैंडल है, ये इस तरीके से मैं आपको इसकी हाइट और ये सब एडजस्ट करके दिखा रही हूँ। इसमें ना छोटे छोटे नॉब्स दिए हुए हैं लाइट एंड ये देखिए इसमें मोबाइल होल्डर दिया हुआ है। ये जो इसमें आप इसको लॉक कर देंगे और इसमें आपका मोबाइल जो है, मोबाइल या कैमरा जो भी है वो होल्ड हो जाएगा। तो मैं इसको आपको लॉक करके दिखा रही हूँ। इसको नीचे एक नॉब है जिससे मैं टाइट एंड लूज़ कर रही हूँ इसको। इस तरीके से इसको माउंट कर देंगे। ये देखिए एक इसमें मैं आपको, ये वाटर लेवल डिस्पेंसर है जो मैं आपको शो करना चाह रही हूँ। ये मैंने इसको टाइट किया और ये एकदम रेडी है शूटिंग करने के लिए, मतलब कोई भी वीडियो बनाने के लिए। तो ये न्यू बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ये बेस्ट है कि आप न्यू क्रिएटर्स हैं, आपको अगर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने में आपका कैमरा हिलता है या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये बहुत ईजी है, बेस्ट है। चीप एंड बेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है ये। ये देखिए मैंने इसमें जो है अपना कैमरा होल्ड कर दिया है और अब ये बिल्कुल शूटिंग के लिए रेडी है। ये देखिए मैं इसको लॉक किए और ये देखिए तीनों तरफ रोटेट हो रहा है, बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब मैं इसके ना लॉक आपको रिलीज़ करके और इसकी जितनी भी मैक्सिमम हाइट है मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसके सारे लॉक रिलीज़ किए एंड इसकी हाइट एडजस्ट की, सारी मैंने टाइट किए। ये बेसिकली ना एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें जो रॉड्स हैं ये छोटी छोटी, ये सारी एल्युमिनियम की हैं, और जो भी आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये प्लास्टिक का है। बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, और प्लीज़ ये मैं इसमें मेंशन कर दे रही हूँ इस वीडियो में कि ये DSLR के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अप टू 420 ग्राम्स वेट ले सकता है जैसे इस बॉक्स पे मेंशन है। तो आप बहुत ज़्यादा, ये स्टडी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हैवी कैमरा या फ़ोन आप इस पर माउंट नहीं कर सकते। आई थिंक फ़ोन तो सारे आप इससे इस पे माउंट कर सकते हैं, बट DSLR और हैवी कैमराज नहीं, के लिए ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, हिलता डुलता है हल्का सा अगर आप बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर डालेंगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इसकी मैंने आपको रॉड दिखाई, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली रॉड थोड़ी मोटी है, उससे थोड़ी पतली, और सबसे नीचे वाली थोड़ी और ज़्यादा पतली है। बट हाँ, कैमरे के लिए ये वीडियो शूट करने के लिए बहुत बेस्ट है, आप फ़ोन से इसको अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से आपको ये वाटर लेवल जो है ये आपको शो हो रहा है इस वक्त, ये ग्रीन कलर में जो है जी। ये देखिए